बीजेपी के बड़े नेताओं की केवल करप्शन की फाइलें नहीं है, बीजेपी के बड़े नेताओं की बलात्कार की फाइलें भी हैं। अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। किसी जज का इतना आहत हो जाना कि उनको इस्तीफा देना पड़े, दूसरा हमें उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या उनका मानसिक दबाव रहा होगा, किन नेताओं का मानसिक दबाव रहा होगा। ये जस्टिस खाली लोया की बात नहीं है। हरिन पांड्या गुजरात के एक विधायक भी रहे हैं, मानसी सोनी एक महिला भी रही हैं और गुजरात के दंगे भी रहे हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा सकता है तो नीचे वाले जजों की तो कोई हम नहीं समझते कि उनको कुछ समझा जाता होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सट्रीम हो चुका है। जो जनता की उम्मीदें हैं वो जुडिशरी के ऊपर ही है। जैसे आज की तारीख में जो चीफ जस्टिस है धुरंधर तरीके से केसेस को खोल रहे हैं, किस तरीके से फैसलों को पलटा जा रहा है, एक एक चीज़ को न्याय की तरफ लेके जाया जा रहा है, और वो जुडिशरी ही है जिसकी वजह से आज जो सरकार मौजूदा सरकार जो है वो घुटनों के बल आ चुकी है कि आज जो दबाव उनके ऊपर है वो केवल उनके ऊपर नहीं है, पूरी जुडिशरी के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे देश के जजेस भी इस्तीफा देने लग जाएंगे तो यकीन मानिए इस देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, देश के अंदर इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो जिस तरह से जज ने कोर्ट के अंदर वकीलों के सामने इस्तीफा दिया, सर कैसे देखते हैं? एक तरफ हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े हैं और जज ही इस्तीफा देंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जो मौजूदा जज ने अभी इस्तीफा दिया है ये तो एक एग्जांपल है। इससे पहले आपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि सरकार द्वारा पेगासस का यूज़ किया गया कुछ जजों के ऊपर, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं जो आज के तरीके अंदर राज्यसभा में बैठे हैं। तो इस तरीके से जो अननेसेसरी का प्रेशर दिया जाता है, दबाव डालने का प्रयास किया जाता है देश के उन निकम्मे राजनेताओं के द्वारा जो ना तो खुद काबिल है और ना चाहते हैं कि देश के जो संवैधानिक पद हैं या जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वहाँ पर काबिल लोग भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग हैं वो ये चाहते हैं जो आज की जो मौजूदा नेता हैं कि अगर एक अंगूठा टेक मजदूर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसका बेटा भी गरीब ही रहना चाहिए, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनना चाहिए। अगर मजदूर का बेटा पढ़ जाएगा, मजदूर का बेटा आगे बढ़ जाएगा तो इन नेताओं के लिए चैलेंज पर खड़ा हो जाएगा, इन नेताओं के बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, जो ये नहीं चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के बड़े नेताओं की केवल करप्शन की फाइलें नहीं हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं की बलात्कार की फाइलें भी हैं। अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। 370 के मुद्दे पर जो भ्रम डाला गया कि 370 खत्म हो गई, वो मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमने ऑलरेडी बता दिया था कि 370 को इतने आराम से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं निकम्मे हैं, नालायक हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल और गवार हैं, इनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अगर ये पढ़े लिखे होते तो शायद उन चीज़ों को करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले चीज़ों को समझते। सर, जिस तरह से जो मुंबई हाई कोर्ट में हुआ है, जहां हमारे देश के अंदर इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतों तक, हाई कोर्ट तक, फिर जब ऐसे काम होगा तो केस कौन, सुनवाई कौन करेगा? देखिए, हमें हमारा ये मानना है कि ऐसे समय के अंदर जब देश की दुर्दशा हो रही हो और उस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन हो, देश के नेता, तो ऐसे समय के अंदर जो भी जस्टिस हैं, जो भी जुडिशरी है, जिनके कंधों पर दारोमदार है संविधान को संभालने का, उन लोगों को मजबूती के साथ इस युद्ध को लड़ना होगा, क्योंकि उनके ऊपर ही दारोमदार है, उनके ऊपर ही जो जनता का जो विश्वास है, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो जुडिशरी के ऊपर ही है। जैसे आज की तारीख में जो चीफ जस्टिस है, किस तरीके से धुरंधर तरीके से वो केसेस को खोल रहे हैं, किस तरीके से फैसलों को पलटा जा रहा है, एक एक चीज़ को न्याय की तरफ लेके जाया जा रहा है, और वो जुडिशरी ही है जिसकी वजह से आज जो सरकार मौजूदा सरकार जो है वो घुटनों के बल आ चुकी है। मणिपुर में जो कृत्य हुआ हमारी बहनों के साथ में, जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल मौन हो चुकी थी, बिल्कुल चूँ तक नहीं निकल रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ है तो उसके बाद में सरकार की मजबूरी बनी है कि वहां पर एक्शन लेना पड़ा। सर, जो रोहित देव हैं उन्होंने कोर्ट परिसर में सबके सामने इस्तीफा दिया। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो किसी जज का इतना आहत हो जाना कि उनको इस्तीफा देना पड़े, दूसरा हमें उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या उनका मानसिक दबाव रहा होगा, किन नेताओं का मानसिक दबाव रहा होगा। और यकीनन ऐसा नहीं है कि देश की जनता नहीं समझ रही है, देश की जनता समझ रही है, देख रही है, लेकिन क्योंकि देश की जनता के पास एक ही हथियार है, वोट का, और वोट से जब चोट पड़ती है तो बड़े बड़े नेताओं को घुटनों पर ले आती है, बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी तोड़ देती है, तो किसी घमंड में ना रहें। और ये जनता इंसाफ करना जानती है। बड़े बड़े धुरंधर नेता देश में आए हैं। एक वक्त में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और आज की तारीख में भी बोला जाता है कि मोदी भगवान का रूप है, लेकिन जो इंसान जिसने यहाँ जन्म लिया है वो भगवान का रूप नहीं हो सकता है। तो हमें स्वीकार करना होगा वो केवल इंसान है, ट्रेंड किया गया इंसान है। अब जो जजों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा सकता है तो नीचे वाले जजों की तो कोई हम नहीं समझते कि उनको कुछ समझा जाता होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सट्रीम हो चुका है। तो फिर इस पर कैसे बदलाव? देखिए, जो बाबा साहब ने कहा था जब संविधान सभा में सवाल पूछा गया कि सपोज किसी एक ही पार्टी की सभी सीटें आ गई,
अगर सभी पार्टी की एक ही पार्टी की सभी सीटें आ गई तो विपक्ष कौन होगा? तो सोचिए उस महान व्यक्ति का कहा हुआ तथ्य जो उस वक्त उन्होंने संविधान सभा में कहा। उन्होंने कहा अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही पार्टी सब कुछ सारी सीटें ले आती है और विपक्ष में कोई भी नहीं बचता तो ऐसे समय में जनता परमानेंट विपक्ष होगी। तो हम अपनी वोट अपने पसंद के नेता को ज़रूर दें, पसंद का है सवाल पूछें, पसंद का नहीं है तो भी सवाल पूछें, लेकिन सवाल पूछना होगा। हमें समर्थक नहीं बनना है, हमें वोटर बन के रहना है, और वोटर बनोगे वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और ऐसे समय के अंदर अगर सही जगह पे आपने वोट की, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठकर, और आपने सही कॉज के लिए वोट की, अच्छे लोगों को वोट किया, तो यकीनन एक बड़ा अच्छा बदलाव हम 2024 में देख सकते हैं। सर एक तरफ आपने नाम सुना है, जस्टिस लोया का भी सुना था, उनको जिस तरह से अभी भी वो मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, इसी तरह से इनके ऊपर मानसिक दबाव डाला गया, इन्होंने डर की वजह से इस्तीफा दे दिया, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए ये जस्टिस खाली लोया की बात नहीं है, हरिन पांड्या गुजरात के एक विधायक भी रहे हैं, मानसी सोनी एक महिला भी रही हैं, और गुजरात के दंगे भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बोला जाता था गुजरात मॉडल, गुजरात में 5 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है क्योंकि उनकी इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, और उसी गुजरात मॉडल को भारत में कॉपी कर दिया गया 130 करोड़ लोगों के अगेंस्ट में 80 करोड़ लोगों के पास में आज ये स्थिति है कि वो राशन भी नहीं खरीद सकते। तो ये जो आपने बोला कि जस्टिस लोया का जिक्र आपने किया, ऐसी बहुत सारी गुत्थियाँ उलझी पड़ी हैं, और जिसमें मैं आपको किताब बताना चाहूँगा, गुजरात फाइल्स एक किताब है राणा अयूब की लिखी हुई, जो पत्रकार रही हैं उन्होंने जो किताब लिखी है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उसको मैं तो ये कहता हूँ कि देश के हर बच्चे को, हर युवा को पढ़ना चाहिए ताकि पता लग सके आज देश का नेतृत्व किन के हाथों में। तो एंटी नेशनल बोलते हैं, देखिए एंटी नेशनल तो किसी को भी बोला जा सकता है। अगर आज की तारीख के अंदर हरियाणा में दंगा होता है, थाने में आग लगा दी जाती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, गाड़ियां जलाई जाती हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वही पंजाब के अंदर अगर एक थाने के अंदर जाकर के कुछ लोग छुड़ा करके ले आते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम लोग कहीं पर एक छोटा सा झगड़ा भी होता है तो उन्हें पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है। तो इस तरीके से देश नहीं चलता है। हमारा मानना है कि देश चलाने के लिए सौहार्द, लोगों के साथ मिलजुल कर चलने की जो भावना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो ये जो मूल भावना है देश की, संविधान की जो मूल भावना है, जब तक हम उस पर नहीं चलेंगे देश के अच्छे हाथों में जा पाना बहुत मुश्किल होगा। जस्टिस रोहित देव के पास कोई और विकल्प हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि उनको अकेले दबाव में नहीं आना चाहिए था। अगर वो ये चीज़ बाहर बाकियों के साथ में डिस्कशन करते, इस मुद्दे को आगे ले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास लेके जाते, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इनकी बात को सुनते नहीं, क्योंकि जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं होगा, और विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। अब जस्टिस रोहित देव ने पूरी अदालत में जब इस्तीफा दिया तो वो देश को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए वो मैसेज तो बड़ा क्लियर देना चाहते थे कि आज जो दबाव उनके ऊपर है वो केवल उनके ऊपर नहीं है, पूरी जुडिशरी के ऊपर है, और ये एक बहुत गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे देश के जजेस भी इस्तीफा देने लग जाएंगे तो यकीन मानिए इस देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, देश के अंदर एमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो जुडिशरी पे जो भरोसा है, जुडिशरी के भरोसे आज देश के लोग जिंदा हैं, जुडिशरी के भरोसे ही आज जो देश का विपक्ष यानी देश की जनता जो है उनके ऊपर उम्मीदें लगाकर बैठी है कि जुडिशरी जो है वो आगे आएगी और इन लोगों से, इन निकम्मे नेताओं से उनकी जान को जो है बचाया जा सके। आज अगर मैं बात करूं तो देश का हर वर्ग मानसिक दबाव में है। मानसिक दबाव किस चीज़ का होता है आपको समझना पड़ेगा इतिहास में जाकर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसने क्या किया था? भारत में आकर उसने भारत में आके सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा किया था। अब हमारे देश में क्या हो रहा है? सबसे पहले नोटबंदी की गई, नोटबंदी से क्या हुआ? आपके घर में जो हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने जो पैसा घर में रखा हुआ था वो काला धन नहीं था, लेकिन उस पैसे को बैंकों में जमा करवा लिया गया। उसके बाद में नोटबंदी के बाद GST लाया गया। GST में देश का जितना भी व्यापारी था, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी था, जो इनपुट नहीं लेता सिर्फ कलेक्शन करता और सरकार को पैसा दे देता है, बड़ा व्यापारी तो उसका इनपुट ले लेता है, वो तो 1 रुपये का भी कलेक्शन GST का नहीं देता। एक बिस्कुट का पैकेट एक रिक्शे वाले भी अगर खरीदता है तो उस पर भी GST देता है। वो ये कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा उनकी सही दिशा कौन सी है। उनकी सही दिशा यही है कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को उनके काबू में किया जाए। और देश पर राज कब किया था अंग्रेजों ने? जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को काबू में कर गई थी, और फाइनल वो काम जो ताबूत में आखिरी कील का काम किया वो लॉकडाउन ने किया। आज की तारीख के अंदर देश के अंदर लोगों की स्थिति ये हो चुकी है कि वो अपने बच्चों के लिए फल खरीदें या ना खरीदें ये भी वो सोच रहे हैं, सब्जी खरीदें या ना खरीदें वो भी वो सोच कर खरीद रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर जब इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहे, किताबें नहीं खरीद पा रहे, ड्रेस नहीं खरीद पा रहे, एक आम व्यक्ति जो गाड़ी से चलता था वो गाड़ी छोड़कर 2-व्हीलर से जाने को मजबूर हो रहा है, जो 2-व्हीलर वाला था वो बस से जा रहा है। तो ऐसे समय के अंदर जब आर्थिक रूप से कमजोर करते चले जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि एक आर्थिक रूप से गुलामी लगभग आ चुकी है, और वो गुलाम कौन बनाने का प्रयास कर रहा है? देश के जो 100 बड़े उद्योगपति हैं जिनका 20 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल के अंदर सरकार के द्वारा माफ़ किया गया,
और जितने भी दंगे देश में होते हैं वो प्लान्ड होते हैं। अच्छा। प्लान्ड होते हैं, कोई भी दंगा ऐसा नहीं है यहाँ आप खड़े हैं या कौन व्यक्ति, क्या आप दंगा करना चाहेंगे, मैं दंगा करना चाहूँगा, ये लोग धरना करें दंगा करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। हर दंगा प्लान्ड होता है, वहाँ पर कैसे डंडे आएंगे, क्या कौन से हथियार आएंगे, कौन से नारे लगाए जाएंगे, किस वक्त में लगाए जाएंगे, कौन सा वो वक्त होगा जिस वक्त दंगा भड़कने की संभावना हो और उसमें से मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा, अफवाह फैलाई जाएगी और दूसरे पक्ष में भी अपने लोगों को घुसाया जाएगा दंगा करवाने के लिए। तो ये सारा सुनियोजित होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अचानक से हो गया। अचानक इस देश में कार्रवाई तो एक तरफा होती है ना, कार्रवाई एक तरफा किस लिए, सुनियोजित है ना, प्लानिंग प्लान्ड है, जब प्लान्ड होता है तो ऐसा ही होता है, बुलडोजर चल रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, प्लान्ड है। अभी किसी भी आज की तारीख में अगर माइनॉरिटी की आप बात करो, माइनॉरिटी की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, उसमें खाली मैं मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, जैन की बात करेंगे सिखों की बात करेंगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। और सिखों की बात अगर मैं करता हूँ तो आज की तारीख में कहीं भी देश में आपदा आती है तो हमें ये कहने की पूछने की जरूरत नहीं है कि वहाँ सबसे पहले मदद करने कौन पहुँचेगा, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे कहीं बाढ़ आती हो, किसी भी राज्य में आती हो, राज्य छोड़िए आज तो विश्व भर के अंदर। अभी खालसा गेट के ऊपर छापे पड़े हैं, बड़ा शर्म की बात है, ऐसी संस्था जो आपके देश का पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही है आप उसके ऊपर छापे डाल रहे हैं, उनको मदद करने की जगह, क्योंकि वो लोग सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव के साथ में, और उनके हाथ में कौन सा हथियार है, खाने का पैकेट है, पानी की बोतल है, वो गोला बम है, तो वो चीज़ें जो उनको ले जाकर दे रहे हैं और बिना पूछे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, अंग्रेज है, कोई भी है। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ जाके सबसे पहला कैंप उन्होंने लगाया, तो उन लोगों को हम खालिस्तानी कहने पर तुले हैं। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है, शांति बहाल नहीं है, प्रधानमंत्री खामोश। देखिए प्रधानमंत्री को आप तो प्रधानमंत्री मानते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री मानता हूँ, मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री जी खुद को हमारा प्रधानमंत्री मानते हैं? जिस दिन वो ये स्वीकार करेंगे मैं इनका किसका मानूं, भाई वो तो 100 लोगों के प्रधानमंत्री हैं जिनको संपत्ति ट्रांसफ़र की जा रही है देश की, जिनको औने पौने दाम पे चीज़ें दी जा रही हैं, रेल बेची जा रही है, तेल बेचा जा रहा है, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, तो ये तो खुद को उनका प्रधानमंत्री मानते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये खुद को हमारा प्रधानमंत्री का मानते हैं तो आज काम किसके लिए होता, गरीबों के लिए, कर्जा माफ़ किसका होता, गरीबों का होता। अभी बेंगलोर की घटना, एक इंजीनियर की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, उसने अपनी 3 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए झील में डुबोकर मार दिया क्योंकि वो बच्ची खाना मांग रही थी। शर्म आती है हमें हम बात करें कि यही विश्वगुरु बन रहा है कि जब एक बाप अपनी बेटी को, 3 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार देता कि वो खाना मांग रही थी, तो इसे विश्वगुरु नहीं माना जा सकता। विश्वगुरु तो वो बन रहे हैं जो 3-3 लाख रुपए किलो की मशरूम मंगाकर घर में खा रहे हैं, अफगानिस्तान से काजू मंगवाकर उसका आटा पिसवाकर उसकी रोटी खा रहे हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि मुंबई हाईकोर्ट के जज रोहित देव ने भरी अदालत के बीच में इस्तीफा दे दिया, एक तरफ जहाँ देखते हैं कि केस इतने पेंडिंग हैं, इतने केसों पर सुनवाई नहीं हो पा रही, लेकिन वहीं रोहित देव ने अपने सम्मान के लिए अपने ऊपर दबाव ना आने दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है कि हमारे देश के जज, या तो हमारे जजों की हत्या हो जाती है या फिर जज इस्तीफा दे देते हैं या फिर अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है। आप समझ सकते हैं, आपके इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP News के साथ, मैं DS गौतम, धन्यवाद।